Hello. पहला क्वेश्चन है सिनेमा की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में से एक कैन फिल्म फेस्टिवल महोत्सव हाल ही में कहां पर हुआ है ये फ्रांस में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है हमारा CAPF क्रिकेट रेटिंग के अकॉर्डिंग किसे जो मुंबई में अनाउंस हुए थे किसको इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसे मिला है अवार्ड? विराट कोहली को मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अब दो बातें इसे ध्यान और रखनी है कि इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला है, वो मिला है जसप्रीत बुमराह को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, महेंद्र अमरनाथ को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन ने किस पर अपने दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन स्मारिका स्टोर की शुरुआत की है ताकि इसे कोई भी आसानी से देख सके, सो दैट वन कैन इजीली एक्सेस। दूरदर्शन ने शुरू किया है ये अमेज़न इंडिया के सीईओ कौन है? जेफ बेसोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली बार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मतलब नाबार्ड ने हाल ही में कृषि और ग्रामीण केंद्रित शेयरों में इनएक्टिविटी निवेश के लिए इक्विटी निवेश के लिए कितने की पूंजी घोषणा की है कितने की है? 700 करोड़ की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 700 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का राहिल गंगजी जापान में आयोजित हुआ था। क्या भारत का राहिल गंगजी जो कि एशिया पैसिफिक डायमंड कप में 39वें पोजीशन पर है, ठीक है, ये जापान में हुआ था। अब बताना ये है कि राहिल गंगजी कौन से खेल से रिलेटेड है? राहिल गंगजी रिलेटेड है गोल्फ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी अभी वियतनाम के ऑफिशियल मीटिंग पर गए हुए थे, तो वियतनाम में जब वो गए तो वियतनाम के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताना है हमें। वियतनाम के वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डोंग थी नको थिन। ठीक है, और वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। क्या कैपिटल है वियतनाम की? हनोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस ऋणदाता का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग पोर्टल गो एंड वीबो के साथ एक सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। किस बैंक ने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में अपनी विफलता के लिए हाल ही में किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस पर लगाया है? नैनीताल बैंक पर लगाया है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है एनपीए की फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक डायमंड कप जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। जापान में अभी एशिया पैसिफिक डायमंड कप हुई थी, इसमें जो खिलाड़ी जीता है उसका नाम बताना है। उसका नाम है यासुकी आसाजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यासुकी आसाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और नाबार्ड की चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार बेनवाला है। कौन है? हर्ष कुमार बेनवाला। और उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो हम नाबार्ड से हमें कुछ याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में हुआ था। चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भानवाला है। और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ ये बने हैं दिनेश पांगटे बने हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
अगर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जो कि हीट की फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की सक्सेसफुली परीक्षण किया है। ये परीक्षण और जो ये परीक्षण किया है इसका नाम क्या रखा है हमने, इसका नाम रखा है अभ्यास। क्या नाम रखा है इसका? अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है जिसे 2019 मैकनेम इंस्टीट्यूट ने करियर लीडरशिप के लिए अवार्ड किया है। उसका नाम है, उनका नाम है छाया शर्मा, उनका नाम है छाया शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम बताएंगे जिन्हें महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? अजॉय मेहता को किया है। किसे किया गया है? अजॉय मेहता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वियतनाम से रिलेटेड। वियतनाम की करेंसी पूछी गई है, वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। क्या है? वियतनामीज डोंग। और मैंने आपको बताया था अभी वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। क्या कैपिटल है वियतनाम की? हनोई। अभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर गए थे वियतनाम, इसलिए इसकी दो क्वेश्चन वर्ल्ड हो जाते हैं। इसकी करेंसी जो कि वियतनाम डोंग है और इसकी कैपिटल जो कि हनोई है। और प्रेसिडेंट यहाँ के इनसे मिलने गए थे, वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था, जो कि है डोंग थी नको थुमा। तो आज के हमारे 15 मई के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। कल मिलते हैं आपसे 16 मई क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।